13 अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र लिखे। कुछ पत्रों की बात हमने कर दी थी, आज एक और पत्र के बारे में हम कहेंगे। हरिदास बिहारी देसाई को लिखित शिकागो 29 जनवरी 1894 को। इस पत्र में उन्होंने यह कहा कि किस प्रकार से वे गए थे, हरिदास देसाई कलकत्ता गए थे ओपीएम कमीशन की मीटिंग के लिए, और वहां पर फिर वो वरानगर मठ में गए और उनके गुरु भाइयों से मिले। फिर वहां से पता पड़ा कि स्वामी विवेकानंद के पूर्वाश्रम का परिवार वही कलकत्ता में रहता है। फिर उनको देखने के लिए गए और बड़े आहत हुए जब उन लोगों की आर्थिक और परिस्थिति और दयनीय परिस्थिति देखी, और तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक ऐसा कुछ पत्र लिखा जिसमें कि उन्होंने यह उस पत्र का आशय यह था कि आपके लिए क्या उचित था कि आपके खुद के माँ को इस प्रकार से दुख देना। और उसके उत्तर में जो स्वामी जी ने उत्तर दिया था वह 29 जनवरी 1894 का पत्र, इसको हम लोगों ने एक बार इसकी चर्चा की है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। और उसमें और भी कई पॉइंट्स थे, वो भी हम छोड़ देते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने कहा था कि देश के लिए किसी भी मनुष्य और राष्ट्र को महान बनने के लिए 3 बातें आवश्यक है, सदाचार की शक्ति में विश्वास, ईर्ष्या और संदेह का परित्याग, जो सत्कर्म करने के लिए यत्नवान हो रहे हैं उनकी सहायता करना। ये 3 सीक्रेट उन्होंने बताए थे, इसके बारे में भी हमने चर्चा उस दिन की। और फिर अंत में उन्होंने लिखा था, सार्वभौम कुंठा के इस महासमुद्र के बीच आप उन इन्हीं गिने उदार चेता लोगों में से हैं जो चट्टान की तरह खड़े हैं। प्रभु आपका सदा सर्वदा कल्याण करे। इति सदैव आपका शुभचिंतक विवेकानंद। ये उस समय का पत्र था। और इसके बाद में एक पत्र लिखते हैं स्वामी जी शिकागो से ही, 20 जून 1894, अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र। जो हमने कहा था कि स्वामी विवेकानंद के जो पत्र, वैसे भी उनके पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रेरणादायी हैं। उसमें भी खास करके कुछ जो पत्र उन्होंने लिखे हैं हरिदास बिहारी देसाई को, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण। उसमें से एक पत्र अभी हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर कि स्वामी जी लिखते हैं 20 जून 1894 को शिकागो से, प्रिय दीवान जी साहब, आज आपका कृपा पत्र मिला। मुझे बहुत दुख है कि आप जैसे सहृदय को मैंने अपने उद्दंड एवं कड़े शब्दों द्वारा ठेस पहुंचाई। मैं आपके मृदु सुधारों के प्रति नतमस्तक, मैं तुम्हारी संतान हूँ, मुझ नतमस्तक को शिक्षा दो। गीता में कहा है कि शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, अर्जुन कहते हैं गीता में द्वितीय अध्याय में, वही बात स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, मैं तुम्हारी संतान हूँ, मुझ नतमस्तक को शिक्षा दो। गीता की बात को दोहराते हुए कहते हैं, मैं आपके मृदु सुधारों के प्रति नतमस्तक। तो ये हरिदास देसाई जी को कुछ थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि स्वामी जी कुछ अधिक ही कठोर हो गए अपने विचारों को व्यक्त करने में, इसलिए स्वामी जी उसकी सफाई देते हुए कहते हैं, मुझे बहुत दुख है कि आप जैसे सहृदय को मैंने अपने उद्दंड एवं कड़े शब्द द्वारा ठेस पहुंचाई, मैं आपके मृदु सुधारों के प्रति नतमस्तक। परंतु दीवान जी साहब, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे स्नेही ऐसा कहने के लिए प्रेरित किया। आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीठ पीछे मेरी निंदा करने वालों ने परोक्ष रूप से मुझे मेरा कोई लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि इस दृष्टि से मेरा घोर अपकार ही किया है कि हमारे हिंदू भाइयों ने अमेरिकनों को यह बतलाने के लिए अपनी अंगुली भी नहीं हिलाई कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मेरे प्रति अमेरिकनों के कृपा भाव के निमित्त काश हमारी जनता उनके लिए धन्यवाद के कुछ शब्द प्रेषित कर पाती, ये बताती कि मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अमेरिकनों से कहते रहे कुछ लोग कि मैंने अमेरिका में ही सन्यासियों के वस्त्र धारण किए हैं और मैं एकदम धूर्त हूँ। जहाँ तक मेरे स्वागत का प्रश्न है, इसका अमेरिकी जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु जहाँ तक धन द्वारा मेरी सहायता का प्रश्न है, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने मेरी ऐसी सहायता करने से अपने हाथ खींच ली और मैं यहाँ एक वर्ष से हूँ, किंतु किसी भी प्रतिष्ठित भारतीय ने अमेरिकनों को यह बताना तक उचित नहीं समझा कि मैं धूर्त नहीं हूँ। फिर यहाँ मिशनरी लोग सदा मेरे विरुद्ध कही गई बातों की ताक में रहते हैं और भारत के ईसाई पत्रों द्वारा मेरे विरुद्ध लिखी गई बातों को खोजने और उनको यहाँ प्रकाशित करने में सदा व्यस्त रहते हैं। आपको यह विदित होना चाहिए कि यहाँ के लोग भारत में ईसाई एवं हिंदू में अंतर के संबंध में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हरिदास जैसे तो अमेरिका गए नहीं थे तब तक, तो स्वामी जी उनको कैसे पता पड़ा, स्वामी जी को कितना संघर्ष करना पड़ रहा था, कितने प्रकार के इल्जाम उन पर लगाए जा रहे थे, कितने प्रकार के उस अफवाहें फैलाई जा रही थी उनके बारे में, उनको तो ये पता नहीं था। इसलिए स्वामी जी ने इसके पहले पत्र में कुछ ऐसा कहा होगा जिससे हरिदास देसाई जी को थोड़ा सा लगा कि स्वामी जी जरा ज्यादा ही रुष्ट हो गए अथवा जरा ज्यादा ही कठोर हो गए। पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे मेरा, दिवाजी साहब ये अच्छी तरह जानते हैं, मेरे स्नेह ने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, कारण स्नेह था। फिर उन्होंने अपनी योजना को फिर से समझाया, इसके पहले भी एक बार समझाया था, आज फिर से समझा कि क्यों वो इस प्रकार से उनका सेटबैक हो गया अमेरिका में, ये सब क्रिटिसिज्म के कारण। मेरे यहाँ आने का मुख्य प्रयोजन अपनी एक योजना के लिए धन एकत्र करना ही था,
मैं आपसे ये बातें फिर कह रहा हूँ। जैसा हमने पहले भी कहा था कि स्वामी विवेकानंद का अमेरिका जाना केवल शिकागो विश्व धर्म सभा के लिए नहीं गए थे, पर मुख्य बात तो उनके भीतर में वह भारत के गरीबों के लिए बहुत उनका दिल रो रहा था, उनका हृदय रो रहा था, और इसलिए वहां से जाकर के उन्होंने सोचा था मैं साइंस टेक्नोलॉजी लाऊंगा, अर्थ लाऊंगा, धन लाऊंगा और यहाँ पर वो स्कीम करूंगा जिसके कारण ये गरीब लोग अपने पैरों पर खड़े रह सकेंगे और जब उनका पेट भरेगा उसके बाद में वो व्यावहारिक वेदांत की बातें सुनने के लिए सक्षम होंगे। तो दो फेज में उनको ये करना था, पहले रजोगुण को जगाना, उसके बाद में फिर सत्वगुण को जगाना। अभी जो तमोगुण में है उनको रजोगुण में लाना, अभी जो एकदम गरीब हैं, निरक्षर हैं और भूखे हैं उनको पहले रोटी अन्न भिक्षा देकर के उनको एक लेवल पे ले आना और फिर उनको धर्म की शिक्षा देना, जैसा कि उनके गुरु ने कहा था भूखे पेट धर्म नहीं सो। ये हमने पहले भी कहा था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है कि क्यों स्वामी जी विदेश गए थे इसीलिए जब उनको इतनी बड़ी सफलता मिली शिकागो धर्म सभा में और सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गए एक ही एक प्रवचन से, उस दिन पूरी रात रोए। तो क्या था, यदि वो प्रचार के लिए जाते, मात्र प्रचार के लिए जाते, सनातन धर्म के प्रचार के लिए, तो उन्होंने सनातन धर्म का झंडा फरका दिया था उस दिन। सारे विश्व ने लोहा मान लिया था भारतीय संस्कृति का, भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का, कि यह भारत इतना देश महान है कि जो न केवल सभी धर्मों को सहन करता है, सभी धर्मों को स्वीकार करता है, ये तो महान देश है, उसका महान सनातन धर्म है, हिंदू धर्म इतना महान है, ये सब तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया था अपने प्रवचन के द्वारा। तो फिर रोने की क्या बात थी? पर वो केवल उसके लिए नहीं गए थे सनातन धर्म के प्रचार, वो गए थे हमारे भारत के गरीब लोगों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, उपाय सोच जानने के लिए। और जब उन्होंने देखा वहाँ की जाहो जलाली, वहाँ का फर्नीचर, वहाँ की जो वस्तुएं, उसके कारण उनको बड़ा दुख हुआ कि यहाँ के लोग इतने अधिक धनवान हैं, इतने अधिक ये लोग लग्जरी में हैं, आरामप्रद वस्तुएं हैं यहाँ पर, और वहाँ हमारे यहाँ उनको खाने को दो जून अन्न नहीं जुटता है, इतना डिफरेंस, हे माँ, हे जगदम्बा, इतना अंतर, इतना अधिक अंतर, कम से कम मेरे देश के लोगों को कब इस प्रकार की ये बातें देखने को मिलेगी, कब मेरे देश में भी इस प्रकार के फर्नीचर, कब मेरे देश में इस प्रकार का मकान, इस प्रकार के होंगे, कब मेरे देश के लोगों को ये उनका पेट भरेगा, इसलिए वो रोए। तो इसलिए स्वामी जी के उनकी जो पूरी योजना थी वो अभी बता रहे हैं स्वामी जी, मेरे यहाँ आने का मुख्य प्रयोजन अपनी एक योजना के लिए धन एकत्र करना ही था। मैं आपसे ये बातें फिर कह रहा हूँ, पूर्व एवं पश्चिम में सारा अंतर यह है कि वे एक राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र हैं, हम नहीं हैं। अर्थात सभ्यता शिक्षा का प्रसार यहाँ व्यापक है, सर्वसाधारण में व्याप्त है, उच्च वर्ग के लोग भारत और अमेरिका में समान है, लेकिन दोनों देशों के निम्न वर्गों के बीच में जमीन आसमान का अंतर। अंग्रेजों के लिए भारत को जीतना इतना आसान क्यों सिद्ध हुआ? यह इसलिए कि वे एक राष्ट्रबद्ध थे, हम नहीं थे। जब हमारा कोई महान पुरुष संसार से विदा होता है तो दूसरे की प्रतीक्षा में हमें शताब्दियों बैठना पड़ता है, और ये महान पुरुषों का सृजन उसी अनुपात में कर सकते हैं जिस अनुपात में उनकी मृत्यु होती है। जब हमारे दीवान जी साहब नहीं रहेंगे, जिसे हमारे देश के कल्याण के लिए भगवान दीर्घ काल तक स्थगित रखें, तो उनके स्थान की पूर्ति के लिए जो कठिनाई उपस्थित होगी उसका अनुभव देश को तत्काल ही हो जाएगा। कठिनाई का प्रत्यक्ष आभास तो इसी बात से हो जाता है कि लोगों का काम आपकी सेवाओं के बिना नहीं चल सकता। यह महान पुरुषों का अभाव है। ऐसा क्यों? क्योंकि महान पुरुषों के चुनाव के लिए उनके पास इतना बड़ा क्षेत्र है, जबकि हमारे पास बहुत ही छोटा क्षेत्र है। 30, 40 या 60 करोड़ आदि आबादी वाले राष्ट्रों की तुलना में 30 करोड़ जनसंख्या वाले राष्ट्र के पास अपनी महान आत्माओं के चुनाव के लिए सबसे छोटा क्षेत्र, कैसी विडंबना। आबादी की दृष्टि से इतना बड़ा राष्ट्र और जिसमें से हमारे महापुरुष आएंगे, ऐसा क्षेत्र सबसे छोटा। क्यों? निरक्षरता। और इसीलिए इसका कारण यह है कि शिक्षित पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या इन देशों में बहुत अधिक है। मेरे उदार मित्र, अब मुझे गलत न समझ, ये हमारे देश का सबसे बड़ा दोष है और इसे दूर करना ही होगा। ये उन्होंने पूरा मानो ओपन हार्ट सर्जरी करके दिखा दिया, असली समस्या कहाँ है, वेयर द शू पिंचेस, कहाँ पर कांटा चुभ रहा है, ये उन्होंने बता दिया कि ये जब तक हमारा देश निरक्षर है तब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, देश आगे बढ़ नहीं सकता। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दोष है और इसे दूर करना ही होगा। सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा दोष निरक्षरता। सूत्र साधारण को शिक्षित बनाइए, सर्वसाधारण को शिक्षित बनाइए एवं उन्नत कीजिए, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।
देखिए 1894 में स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, अभी 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें एजुकेशन फॉर ऑल सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया, और आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में भी जब हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बातें कर रहे हैं, एज ऑन टुडे 36% पीपल आर इलिटरेट इन अवर कंट्री, हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया, सारे विश्व में सबसे अधिक निरक्षर व्यक्ति भारतवर्ष में है, ये भारत का ये सबसे बड़ी शर्मजनक बात, और आज भी 36% लोग 36% ये निरक्षर है, इलिटरेट। इलिटरेट किसको बोलते हैं, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, बाकी दूसरी पढ़ाई के तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो और भी परसेंटेज बहुत कम हो जाए, ये विडंबना है। स्वामी जी ने 1894 में एनालिसिस करके बता दिया समस्या कहां पर है, उन्होंने कहा सर्वसाधारण को शिक्षित बनाइए एवं उन्नत कीजिए, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सके, नब्ज पकड़ ली। हमारे समाज सुधारकों को तो घाव के स्थान का भी ज्ञान नहीं है समाज सुधारक लोग बहुत समाज सुधार कर रहे हैं, पर घाव कहाँ है यही नहीं मालूम, और बैंडेज शुरू कर दिया, अरे पर घाव तो कहाँ है और बैंडेज तुम कहाँ कर रहे हो, असली घाव कहाँ है यही नहीं मालूम है, तो बैंडेज कैसे करोगे। हमारे समाज सुधारकों को तो घाव के स्थान का भी ज्ञान नहीं है, वे विधवाओं का विवाह करा के राष्ट्र का उद्धार करना चाहते हैं एक ही मात्र उनका है कि कितने विधवा का विवाह हुआ बस राष्ट्र उन्नत हो जाएगा, विधवा विवाह से। क्या आप यह मानेंगे कि किसी देश की रक्षा इस तथ्य पर आश्रित है कि इसकी विधवाओं के लिए कितने पति प्राप्त होते हैं इसके ऊपर सारा देश का भविष्य निर्भर है कि कितने विधवाओं को कितने पति प्राप्त होते हैं, ये कैसे बेहूदी बात, जो असली चीज को करते नहीं है समाज सुधारक, और ये बात को लेकर उस समय ये बड़ी चर्चा चल रही, अभी तो हमारे समाज में वो सब नहीं है, उस समय वो निकल गया है, इसलिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है, विधवा हो सधवा हो सबको पति मिल जाते हैं सबको, अभी तो कुछ नहीं, कहाँ से कहाँ आ गए, अभी तो डिवोर्स शादी और सब कुछ एक हो गया, सब कुछ है ही नहीं, अभी तो विवाह प्रथा ये कुछ ही नहीं रही है, अब तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं रहा अभी तो, ये सब का उस समय के जमाने में बहुत कठोर नियम थे कि जो विधवा हो गई फिर, और वहाँ बाल विधवा हो जाते थे क्योंकि बचपन में विवाह हो जाता था बहुत बचपन में, और बाद में यदि वो हस्बैंड गुजर गया तो फिर सारी जिंदगी उनको रहना पड़ता था, तो कुछ लोगों को लगा कि भाई इनका विवाह हो जाना चाहिए, तो ठीक ही था, परंतु दैट वॉज नॉट, वो मेन प्रॉब्लम नहीं था देश का, उसी में वो लोग अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद को एक बार जब आए थे वापस अमेरिका से वापस, तो एक किसी जर्नलिस्ट ने पूछा स्वामी जी विधवा विवाह के बारे में आपका क्या मंत्र, क्योंकि इट वाज अ बर्निंग इशू, बहुत बड़ा बर्निंग इशू था, विधवा को विवाह करना चाहिए नहीं, इसके ऊपर बहुत हॉट डिस्कशन होते, बड़ी वाद विवाद होता था, बड़ा बड़ी बहस होती, तो स्वामी विवेकानंद तो वर्ल्ड फेमस हो गए थे उस समय के जमाने में, तो जर्नलिस्ट लोग आए आपका क्या ओपिनियन बताइए, स्वामी जी चुप रहे, फिर से पूछा मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ विधवा विवाह के बारे में आपका क्या मंतव्य है, फिर स्वामी जी चुप रहे, जब तीसरी बार बोला तो बोला मैं क्या विधवा हूँ जो मुझे पूछते हो कि मुझे विवाह करना चाहिए नहीं, विधवा को पूछो कि वो विधवा करना चाहे कि नहीं, तुम कौन हो पुरुष लोग जो विधवा का विवाह कराना चाहते हो, उनका वो विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे उनके ऊपर छोड़ दो ना, हाँ तुम्हारा काम है उनको एजुकेशन दो, गिव देम एजुकेशन, शिक्षा दो, फिर वो समर्थ हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, मैं स्त्रियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कभी आगे नहीं आऊँगा, एक ही है समाधान कि उनको शिक्षित करो, और हमारे देश की स्त्रियाँ किसी भी देश की स्त्रियों से कम नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती, तुम कौन हो उनके ऊपर अपने डिसीजन लादने वाले, अपना निर्णय लादने वाले, सब कुछ तुम करोगे उनके ऊपर, जो हुकुम ही करोगे स्त्रियों के ऊपर, दे आर पावरफुल इनफ, ये बुद्धिमान है, हमारे देश की स्त्रियां उतनी ही बुद्धिमान है जितनी विदेश की हैं, उतनी ही समर्थ हैं, उनकी समस्या का समाधान वो खुद करेंगे, हम लोग बीच में कौन होते अपनी नाक गलाने वाले, हाँ पर ये है तो उनको शिक्षित करना, मैं इसी की बात करता हूँ, ये भी उन्होंने फिर जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा कि क्या आप यह मानेंगे कि किसी देश की रक्षा इस तथ्य पर आश्रित है कि उनकी विधवाओं के लिए कितने पति प्राप्त होते हैं, और न इसके लिए धर्म को ही दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि एक मूर्ति पूजा से या कोई विशेष अंतर नहीं हो जाता, सारे दोष यहाँ है, यथार्थ राष्ट्र झोपड़ियों में निवास करता है, अपना पौरुष विस्मृत कर बैठा है, अपना व्यक्तित्व तो खो चुका है, हिंदू मुसलमान या ईसाई के पैरों से रौंदे ये लोग यह समझ बैठे हैं कि जिस किसी के पास पैसा हो वे उसी के पैरों से कुचले जाने के लिए पैदा हुए हैं, उन्हें ये उनका खोया हुआ व्यक्तित्व तो प्रदान करना होगा, उनको शिक्षित बनाना होगा, मैं ऐसे प्रश्नों से अपने को उलझाना नहीं चाहता कि मूर्तियां रहे या न रहे, विधवाओं के लिए पतियों की पर्याप्त संख्या हो या न हो, जाति प्रथा दोषपूर्ण है या नहीं,
प्रत्येक को अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना होगा। केवल रासायनिक सामग्री को एकत्र करना कर देना हमारा कर्तव्य है। ईश्वरी विधान से रवे तो अपने आप जम जाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन विल टेक प्लेस ऑफ इटसेल्फ। रवे तो अपने आप जम जाएंगे। केवल हमें उनके मस्तिष्क में भावनाओं को आरोपित करना है, शेष सब भी अपने आप कर लेंगे। इसका तात्पर्य है सर्वसाधारण को शिक्षित करना। यहाँ ये कठिनाइयाँ हैं। एक अकिंचन सरकार अभी कुछ नहीं कर सकती, न करेगी, अतः उस दिशा में से किसी सहायता की आशा ही बेकार। उन्होंने कहा कि वेयर द सू पिंचेस, मुख्य समस्या कहाँ है कि किस देश में कितनी विधवाओं के विवाह हुए या न हुए, किस में जाति भेद होना चाहिए या नहीं, मूर्ति पूजा ठीक है या नहीं, ये सब समस्या को लेकर के सारे देश में बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े 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 विद्वान, बड़ी 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 वाद विवाद की सब बातें कर रहे हैं। असली बात पे कोई जा नहीं रहा है कि सारा देश अभी अपना व्यक्तित्व खो चुका है। अधिकांश जो 90% से अधिक लोग जो कुचले जा रहे हैं, एकदम गाँव में झोपड़ियों में बसे हैं, कुछ ले जा रहे हैं। उन लोगों का उनके मन में यही है कि हमारा जन्म ही हुआ है कुछ ले जाने के लिए। या जमींदार लोग कुछ लेंगे, या मुसलमान कुछ लेंगे, या हिंदू कुछ लेंगे, या हिंदू जमींदार कुछ लेंगे, या ईसाई लोग कुछ लेंगे, कुछ लेंगे। हमारा काम ही है कुचल जाना। जो भी पैसा वाला होगा वो हमको कुछ लेगा, उसको हमने मान लिया। उन्होंने उसके विरुद्ध बोलते भी नहीं है, चुपचाप सहन कर रहे हैं सब पूरा। इतने अधिक गुलाम बन गए हैं वो, अज्ञान में है, समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बस मेहनत करते जा रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, समझ भी नहीं पा रहे हैं और दुख में पड़े हुए हैं। कितने प्रकार के दुख में, कितने प्रकार के अज्ञान में। तो स्वामी जी ने कहा उनको लॉस्ट इंडिविजुअलिटी, वी हैव टू गिव द नेशन इट्स लॉस्ट इंडिविजुअलिटी। उनका व्यक्तित्व उन्होंने खो दिया है। सबसे पहले उनको अपना खोया हुआ व्यक्तित्व दिलाना होगा। और उसका सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द रहस्य क्या है, सीक्रेट है Education alone is a panacea of all our evils। कितनी बार स्वामी जी ने बात कही, कितनी बार, शिक्षा। चारों ओर विदेश में घुमा हूँ, सारी पृथ्वी पर घुमा हूँ, घूमने के बाद मैंने एक ही देखा, हमारे देश की सभी समस्याओं का एकमात्र कारण है अशिक्षा, और इसका एकमात्र समाधान है शिक्षा। परंतु ऐसी शिक्षा नहीं जो हम आजकल दे रहे हैं हमारी शिक्षा पद्धति। उनकी शिक्षा की जो व्याख्या थी वो अलग थी। वे चाहते थे व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, मनुष्य निर्माण वाली शिक्षा, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा वे चाहते थे। तो यहाँ पर जो स्वामी जी ने पूरे सारी समस्याओं का की जो जड़ है वो उन्होंने मानो ओपन हार्ट सर्जरी करके हमारे सामने रख दी। और इसके बारे में दिलचस्प बातें हैं, किस प्रकार से हमारे भारत सरकार में इतना अधिक परिश्रम करके, स्टडी टीम करके उन्होंने जो फाइंडिंग लिखे, क्यों यूनिवर्सलाइजेशन प्राइमरी एजुकेशन नहीं हो रहा है हमारे देश में इतने वर्ष बाद। 1947 में हमको आज़ादी मिली, 72 ईयर्स के बाद भी जो लक्ष्य रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सर्व शिक्षा, कि एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा हमारे भारतवर्ष में, ये हमारा गोल था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये अभी तक नहीं हुआ है। और अभी भी ऐसा जैसा कहा 74% ओनली आर लिटरेट, 36% इलिटरेट। तो इसका क्यों कारण है, क्या क्यों हम लोग शिक्षा नहीं दे पाए, अभी भी क्यों इतनी अशिक्षा है, उसका कारण स्वामी विवेकानंद जी ने 1894 में 20 जून के पत्र में हरिदास वीरदेव देसाई को दिया है। उसकी बात कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।